हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तवा भिंडी की रेसिपी। तवा भिंडी थोड़ी सी क्रिस्पी और चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी फटाफट बनाना। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है, जिसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया था और कपड़े से पोंछ लिया है, और भिंडी को लंबी लंबी पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया है। आप भी भिंडी को इस तरीके से पहले पोंछ कर और फिर भिंडी को लंबी स्लाइसेस में काट कर तैयार कर लें। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों में सबसे पहले हम 2 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गर्म मसाला, साथ में 1/4 चम्मच नमक भी डाल लेते हैं। अब इसमें 3 से 4 चम्मच इसमें पानी भी डाल लेते हैं। पानी की जगह आप इसमें नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और भिंडी अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब एक तवा गर्म करने के लिए रख देते हैं। तवे पर सबसे पहले हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर हम भिंडी को अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और भिंडी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर पलटते हुए हम भिंडी को अच्छे से सेक लेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारी भिंडी जल जाएगी। लो फ्लेम पर हमें भिंडी को अच्छे से पलटते हुए सेकते रहना है। जब तक हमारी भिंडी थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी नहीं हो जाएगी, जब तक हमें तवे पर इसको फ्राई करते रहना है। देखिए भिंडी हमारी 80% तक पक चुकी है, थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और एक पैन को गर्म करने के लिए गैस पर रख देते हैं। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल गर्म कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेते हैं, साथ में 1/4 चम्मच सरसों के दाने ऐड कर लेते हैं और 1/4 चम्मच हींग का पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। सारी चीज़ों को थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो रखना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें हम एक प्याज भी कटा हुआ डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया था। आप चाहे तो प्याज को फाइनली चॉप भी कर सकते हैं और मीडियम साइज़ के आकार में भी काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भुनना है। जब तक हमारे प्याज लाइट पिंक नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड नहीं करेंगे। प्याज हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे प्याज को गोल्डन ब्राउन इसलिए नहीं भुना है क्योंकि जो प्याज का मिठास होता है वो भिंडी के साथ में बहुत ही अच्छा लगेगा। भिंडी को और प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच नमक भी ऐड कर लेते हैं और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। यहाँ पर हमें भिंडी को ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है क्योंकि भिंडी हमारी पहले से पक चुकी है। बस मसालों को थोड़ा सा फ्राई करना है और हमारी भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए तवा भिंडी बनकर हमारी तैयार हो गई है। चलिए इसे फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बताइए आपको मेरी तवा भिंडी की रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।